गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम बिफोर यू विद टेकिंग अ न्यू वीडियो एंड दैट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर। टुडे आई विल एक्सप्लेन द वेरी फर्स्ट लेसन ऑफ योर बुक सप्लीमेंट्री रीडर एंड दैट इज अ लेटर टू गॉड। इट इज रिटन बाय जी एल फुएंस। सो I will tell you the story, the summary of that story. After listening that story, you can easily understand the whole lesson, the whole story when you will read it by your book, by yourself. The more you read, the more you will be perfect. It is my duty to tell you the way or to tell you the theme and the main thing of that lesson. Because if I will explain the whole lesson, it will be very difficult to send it. That is why I am going to explain this lesson. होता क्या है, एक लेंचो था। लेंचो एक बहुत ही गरीब किसान था। वो एक घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी हुई एक झोपड़ी में अपने परिवार, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रहता था। He grew the crop deer and this was the year his crop was very good. इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। होता क्या है, बस थोड़े से पानी की जरूरत थी एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल शावर। सोचता था थोड़ा सा पानी बरस जाए तो उसकी फसल और भी अच्छी हो जाए। होता क्या है, वैसी उम्मीद कर रहा था, अचानक एक दिन देखता है बादल आ रहे थे आकाश में। वो कहता कि भाई से सिंस ही वाज ए फार्मर ही कैन गैस दैट इट वाज गोइंग टू रेन। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट आई एम गोइंग टू गेट वाटर सून। होता क्या है, जैसे उसने प्रेडिक्शन किया था बरसात शुरू हो गया। शुरुआत में बूंदाबांदी होती है, देखते देखते क्या होता है, पूरा आकाश घने बादलों से भर जाता है और बहुत भारी बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश ऐसा लगता है कि पानी का एक पर्दा सा पड़ गया है। जहां वह खड़ा था अपनी झोपड़ी में, वहां से उसके खेत दिखाई नहीं देते हैं। इट वाज अ हैवी रेन एंड विद दैट रेन इट स्टार्टेड हेलिंग। हेलिंग मींस ओले पड़ना शुरू हो गया। हेल स्टॉर्म्स बिगन टू फॉल एंड विद इन फ्यू आवर्स इज टोटल क्रॉप वॉज डेस्ट्रॉयड। नाउ हिज सोल बिगेन टू बी बिगेन टू क्राई। उसकी आत्मा जो है चीखने लगी बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली स्पॉइल्ड। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। नाउ ही हैज टू लिव थ्रू ए ईयर विद हिज फैमिली। उसे अपने परिवार के साथ पूरी साल कर रहना था जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती। उसके पास कुछ भी नहीं था, अच्छी फसल थी बर्बाद हो चुकी थी। वो अब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे तो हमारा परिवार भूखों मर जाए। उसे भगवान में पूरा विश्वास था क्योंकि वह बहुत मेहनती किसान था, सारा दिन खेती में लगा रहता था। लेकिन स्टिल ही नोज हाउ टू रीड और राइट। वो जानता था कि कैसे पढ़ा लिखा जाता है, उसे लिखना भी आता था और लिखना पढ़ना जानता था। यहां पर एक वर्ड आया है, एक फ्रेज इडियम यूज किया गया है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो जो था ऑक्स ऑफ ए मैन, आदमी का बैल। उसका मतलब वो बैल नहीं था, था तो व्यक्ति लेकिन उसी तरह खेतों में लगा रहता था जिस तरह से बैलों से काम कराया जाता है। उसे एक चीज में विश्वास था, भगवान। उसे भगवान में he had full faith in God। भगवान में उसे पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने सोचा कोई उसकी मदद करे ना करे लेकिन भगवान जरूर देखता है, वो हमारी मदद करेगा। That is why he began to post office early in the morning, he took a paper and some ink and start writing to God। उसने भगवान को लिखा, भगवान जी आप सब कुछ जानते हैं,
आप सब जानते हैं, आप जानते हैं हमारी फसल अच्छी हुई थी, हेल स्टोन के कारण पूरी बर्बाद हो गई, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, एक साल तक मैं और मेरा परिवार कैसे खाएंगे, इसलिए मुझे कुछ पैसों की मदद करें, मुझे 100 पीसोस भेज दें जिससे कि मैं और मेरा परिवार उससे अपनी एक साल तक खा पी सकें और कुछ पैसा बचाकर अगली फसल की तैयारी कर सकें। स्टार्ट राइटिंग एंड आफ्टर एंडिंग द लेटर ही रॉट ही पुट इट ऑन एन एनवेलप इन एन एनवेलप एंड राइट द एड्रेस टू गॉड। भगवान का पता उसको लिखता है, सिर्फ मालूम नहीं था भगवान कहाँ है, लेकिन ये जानता था भगवान है जरूर, उसका ये फेथ था, भगवान जो उसका फेथ था, इसलिए उसने केवल उस एनवेलप पे एज एन एड्रेस ऑफ गॉड क्या लिखा, टू गॉड। एंड By licking the envelope, he pasted with the blow of fist, उसे उसने चिपकाया, उसे से उसको चिपका के फ्लैट किया और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल। पोस्टमैन डाक निकालने आया तो जब वो डाक को छांट रहा था, इवा सॉर्टिंग आउट द मेल, ही फाउंड a very strange address and that was to God. He laughed heartily and brought that envelope to the postmaster. Postmaster के पास वो ले गया, उसने उसको देखा, खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि उसे 100 पीसों की जरूरत है, ऐसे ऐसे उसके साथ ये कुछ हुआ है, भगवान से उसने मदद मांगी थी इसलिए उसे 100 पीसेस की जरूरत। पोस्टमास्टर ने सोचा कि इस व्यक्ति का भगवान में कितना अधिक विश्वास है, इसका कहीं विश्वास भगवान से टूट न जाए, इसलिए उसने खुद उसकी मदद करने के लिए सोचा। तो वो करता क्या है, ही आस्क्ड ऑल हिज एम्प्लॉयज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फॉर सम हेल्प एज ए डोनेशन और चैरिटी। उसने चैरिटी के लिए कुछ डोनेशन मांगा सभी से, फोर्स नहीं किया कि आपको इतना देना है, बट जो जितना दे सकता था इस तरह उसने कलेक्शन किया, केवल इस बात के लिए कि कहीं उस व्यक्ति का भगवान से भरोसा न हो जाए। तो पोस्ट मास्टर एक काइंड हार्टेड मैन था, उसने उसकी मदद करने की सोची और सभी से कलेक्शन लिया और उस कलेक्शन को उस एनवेलप में डाल और उस पर एड्रेस लिखा टू लेंचो। अगले दिन लेंचो पहुंचा, उसने पूछा क्या उसका कोई लेटर है, उसने कहा हाँ ये लेटर है, तो उसने वो लेटर उसको दे दिया, लेटर क्या एनवेलप दे दिया। उसने उसको खोला तो रुपए काउंट किए, उसमें केवल 70 पीसेस थे। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने कहा भगवान गलती नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है, जब उन्हें मालूम है कि हमने 100 पीसेस मांगे थे, ऐसा भी नहीं हो सकता उनके पास पैसे ना हो, न तो वो गलती कर सकते हैं। इसका मतलब भगवान ने तो 100 पीसेस भेजे होंगे, लेकिन बीच में ये पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। अब क्या किया जाए, तो उसने फिर दोबारा कागज लिया, स्याही ली और लिखना चालू किया, गॉड उसने जो कुछ लिखना था वो लिख दिया और उसके बाद फिर उसी तरह चिपकाया और उसमें डाल दिया। अब जैसे ही उसने डाला, पोस्टमैन ये सब देख रहा कि अब इसका रिप्लाई क्या होगा। उसने वो लेटर निकाला, जाके पोस्टमास्टर को दिया, पोस्टमास्टर ने खोला, जब उसने पढ़ना चालू किया उसे बहुत सरप्राइज। उस लेटर में लिखा था, ओ गॉड द मनी दैट यू सेंट फॉर मी वाज नॉट एज आई डिमांडेड, जो पैसा जितना मैंने मांगा था वो उतना नहीं था जितना मैंने मांगा। मैंने 100 पीसेस मांगे थे, इसमें केवल 70 पीसेस थे। ऐसा करना, अब की बात पैसा डायरेक्ट मुझे देना, इन लोगों के हाथों मत भेजना, क्योंकि ये बेईमान है और बीच में पैसा खा जाते हैं, और नीचे उसने अपने साइन बनाए। बस इसी लेटर की एंडिंग के साथ यहाँ पर स्टोरी रिलेटेड टू दिस स्टोरी I will give you some questions, but before I give you some questions, I am giving you some time
टू रीड द लेसन बाय योरसेल्फ फ्रॉम योर टेक्स्ट। अपनी टेक्स्ट बुक से आप पूरा लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एंड यू गिविंग द आंसर ऑफ टाइम फ्रॉम 12 to 1, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप अपने आंसर वापस डाल सकते। We will be again with our next video. In next day, children will